नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में और मैं हूँ आपके साथ अंशिका। दर्शकों, आज का जो एपिसोड है वो बड़ा ही खास होने वाला है और इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको वार्न करना चाहूँगी, सावधान करना चाहूँगी, क्योंकि हो सकता है इस एपिसोड को देखते हुए आपके पेट में हंसते हंसते दर्द ज़रूर होने लगे। और कहते हैं ना कि ज़्यादा हंसने से खून भी बढ़ जाता है, तो हो सकता है कि इस एपिसोड के अंत तक 100 या 200 ml आपका ब्लड भी बढ़ जाए। तो आइए शुरुआत करते हैं इस एपिसोड की। हमारे साथ मौजूद है बहुत ही मशहूर हास्य कवि और आजकल ये अपनी मिमिक्री से सब जगह छाए हुए हैं। स्वागत करते हैं दीपक सैनी जी का, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और सभी को मेरा नमस्कार। तो दीपक जी, आपसे चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले मैं बेसिक्स पर आना चाहूंगी, आपके बारे में जानना चाहूंगी। पहले आप अपने बारे में हमारे व्यूअर्स को बताएं कि कौन है दीपक, किस तरह से ये जर्नी आपकी शुरू हुई। पहले स्टार्टिंग से आप अपने बचपन के बारे में थोड़ा बताएं। देखिए, मैं दिल्ली में ही पैदा हुआ हूँ, दिल्ली में मेरी पढ़ाई लिखाई हुई है और स्कूल टाइम से मुझे शौक था हंसने हंसाने का। हमारे स्कूल में 4th क्लास में जब मैं था तो हास्य कवि सम्मेलन हुआ था, तो वहाँ से मुझे लगा यार ये, क्योंकि मैं भी थोड़ा हंसाने का शौक बचपन से ही रखता था। मुझे बहुत बचपन में ये सेंस हो गई थी कि मैं भी हंसा सकता हूँ, हंसाता भी था क्लास में। तो जब हास्य कवि सम्मेलन मैंने देखा, उस समय तो कोई मोबाइल वोबाइल तो थे नहीं, हम बच्चे थे, हमारे घर में तो टीवी भी नहीं था बल्कि, तो मैंने देखा यार ये एक आदमी स्टेज पर खड़ा होकर माइक पर बोल रहा है, हज़ारों लोग हंस रहे हैं, तो ये तो बढ़िया काम है। मैं बहुत इंप्रेस हुआ। उसमें हमारे बहुत सीनियर कवि थे श्री अरुण जैमिनी जी, मैं उनसे बहुत इंस्पायर हुआ। मैंने कहा यार मुझे ऐसा काम करना है। उसके बाद फिर मुझे धीरे धीरे शौक लगा, मैंने और भी खोजना शुरू किया कौन कौन हंसाने वाले लोग हैं, कुछ की कैसेट्स मिली, कुछ का ये मिला, तो मैंने वो शौक मुझे वहाँ से डेवलप हुआ। तो मेरा एक टारगेट बना कि मुझे कवि सम्मेलन के मंच पे परफॉर्म करना, ये मैंने अपना एक टारगेट बना लिया जी। तो मैं जहाँ रहता हूँ दिल्ली में शालीमार बाग में, वहाँ एक बहुत बड़ी रामलीला होती है, उसमें कवि सम्मेलन होता था पहले दिन। तो मैं वहाँ कवि जहाँ बैठे हुए थे कवियों के कमरे में घुस गया। मैंने कहा जी मुझे भी कविताएं सुनानी, बच्चा था मैं बहुत ज़्यादा, मैंने कहा मैं भी लिखता हूँ, कुछ नहीं था उस समय मेरे पास, लेकिन मैंने कहा मुझे शौक था। तो फिर वहाँ से अरुण जी से मेरी बातचीत शुरू हुई, अरुण जी ने मुझे पहला वहाँ पे मंच दिया, मुझे पहला मंच देने का क्रेडिट अरुण जी को जाता है। उसके बाद फिर अच्छा लिखने लगा, थोड़ा बहुत करने लगा, फिर लाफ्टर चैलेंज आया सन 2005 में, उसका मेरे पास फ़ोन आया। तो मुझे, मैं उस समय बहुत छोटा था, मुझे इतनी भी समझ नहीं थी कि मुझे उसमें करना क्या है। ऑडिशन दिया तो ऑडिशन में सिलेक्ट होना ही नहीं था, क्योंकि कुछ करना आता ही नहीं था, तो सिलेक्ट कहाँ से होते। Part 2 में मैं सिलेक्ट हुआ, उन्होंने मुंबई बुलाया, फिर वो एक हफ्ते रख के भेज दिया कि छोटा है इसको अगली बार बुलाएंगे। फिर Part 3 में उन्होंने मुझे बुलाया जिसमें कपिल विनर थे उसके उस शो के, वहाँ उसमें जाने के बाद एक मुझे स्टैंप मिली कि भाई ये लाफ्टर चैलेंज में परफॉर्म करके आया है। उसके बाद वो प्रोफेशनलिज्म की तरफ हम लोग बढ़ते चले गए और मैंने खूब कवि सम्मेलन करने शुरू किए, अपने कॉमेडी शोज़ करने शुरू किए, और हमेशा मैंने एक अच्छा कंटेंट अपना रखा, खुद का मौलिक कंटेंट रखा। कभी कोई व्हाट्सएप के जोक्स नहीं सुनाए, कोई कहीं से पढ़ के जोक नहीं सुनाया। तो धीरे धीरे चलते चलते जर्नी 12 देशों में मैंने परफॉर्म किया, वो कहाँ से चलेगी मुझे खुद नहीं पता। बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स पे, बड़े बड़े चैनल्स पे मैंने परफॉर्म किया जहाँ मुझे स्टैंडिंग ओवेशंस मिली। तो आज कुल मिला के मेरी पहचान एक हास्य कवि के रूप, कुछ लोग हैं जो मुझे हास्य कवि के तौर पे जानते हैं, कुछ लोग हैं जो कॉमेडियन के तौर पे जानते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी ऑडियंस है देश में जो मुझे मिमिक्री आर्टिस्ट के तौर पे जानते हैं। तो वो माँ सरस्वती ने मुझसे कुछ बहुत यूनिक मिमिक्री करवाई और आगे उम्मीद है कि और भी होंगी जी। तो दीपक, जब आपने, आप जैसे आपने बताया कि आपको कविताएं करने का शौक था, हास्य कवि आप थे, आपने कब सोचा कि आपको मिमिक्री में भी हाथ आजमाना है? और सबसे पहले आप ये भी जानना चाहूंगी कि पहली मिमिक्री आपने किसकी की थी, लेकिन पहले आप ये बताएं कि ये आपने सोचा कब और कैसे? देखिए, मैं ज़्यादा कवि सम्मेलन ही करता था तो मिमिक्री में बचपन से करता था। मैं लाफ्टर शो में गया था तब भी मैं बॉलीवुड वालों की, क्योंकि आदमी बॉलीवुड की ही मिमिक्री करता था और मैं भी करता था। तो मैंने वहाँ पे जाकर देखा कि हर दूसरा आदमी नाना पाटेकर बन जाता है, हर दूसरा आदमी सन्नी देओल बन जाता है, हर दूसरा आदमी धर्मेंद्र बन जाता है। तो मैंने कहा ये तो मुझे नहीं करना। फिर हम कॉलेज में परफॉर्म करने जाते हैं तो वहाँ कॉलेज का बच्चा मिमिक्री करता है बॉलीवुड स्टार्स की। तो मैंने कहा यार ये तो नहीं चलेगा। तो एक बार हम कवि सम्मेलन कर रहे थे और मेरा सारा कंटेंट लगभग खत्म हो गया, नीचे से वंस मोर हो रही है कि और कुछ करो और कुछ करो। तो मैंने सबसे पहले उस दिन मुलायम सिंह जी, स्वर्गीय मुलायम सिंह जी की मिमिक्री मैंने कवि सम्मेलन के मंच पे की और वो इतनी हिट हुई कि लोग लोट पोट एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे गिर रहे थे। तब मुझे मेरे दिमाग की बत्ती जल गई, मैंने कहा यार ये जब मैं मिमिक्री करता हूँ तो मैं इसको कवि सम्मेलन में क्यों ना उतारूँ जी। तो मैंने सबसे पहली मिमिक्री जो कवि सम्मेलन के मंच पर करनी शुरू की थी वो मैंने मुलायम सिंह जी की थी। उसके बाद धीरे धीरे करते 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 उसमें इतना बड़ा काफिला हो गया, आज 50-60 नेताओं की मिमिक्री है। आज मैं अगर रामायण भी लिख दूं तो लोग मुझसे सुनेंगे नहीं, लोग बोलते हैं राजनाथ जी की मिमिक्री सुनाओ, अमित शाह जी की सुनाओ, केजरीवाल जी की सुनाओ। जी जी जी। तो ये ऐसे दौर चला और वही बना कि रास्ता पता नहीं कहाँ ले जाता है आदमी को। बिल्कुल बिल्कुल। तो हास्य कवि और कलाकार के तौर पर शुरू हुआ, आज मिमिक्री के तौर पर लोग मुझे जानते हैं, माँ सरस्वती जो कराए
बिल्कुल। तो जैसा कि आपने बताया कि मुलायम सिंह यादव जी की आपने मिमिक्री की थी, क्या हम दो पंक्तियाँ सुन सकते हैं वही मिमिक्री के बारे में फिर से? देखिए, अब तो मैंने स्टेज पे करना बंद कर दिया क्योंकि अब वो रहे नहीं इस दुनिया में, लेकिन क्योंकि आपने वो पुरानी यादों को कुरेदा है तो मैं, वो मेरी बहुत सुनहरी याद है। मैंने लगभग 15 सालों तक जिन लोगों ने मुझे स्टेज पे परफॉर्म करते हुए देखा है, मैंने लोगों को गिरते हुए देखा है। मैंने एक बार राजनाथ सिंह जी के सामने दिल्ली में की थी, राजनाथ सिंह जी भी खुद भी नीचे बैठे हुए एकदम लोटपोट हो गए थे मिमिक्री पे। उस दिन मैंने कहा था सर मैं आपकी भी करूँगा, फिर मैंने उनकी मिमिक्री की। तो मुलायम सिंह जी जब बोलते थे तो बहुत मुश्किल से समझ में आता था कि वो क्या बोल रहे हैं। वो जब बोलते थे हाँ उत्तर ये चिल्ली गुई लिख लो, वो हमारे खेल पार्टी के भाई जितने हवा खेल नहीं जी हमारे गरीब मजो हमारे जी कुछ समझ नहीं आता। जी बिल्कुल। तो ये वो मिमिक्री थी जी। सो जैसा कि आपने बताया कि आप बहुत सारे राजनेताओं की आप मिमिक्री करते हैं और आपको लोग पसंद भी करते हैं उसी तरह से, तो मैं उसी के संदर्भ में आपसे आप जानना चाहूँगी। मैं एक्चुअली जब आपका इंटरव्यू करने में आई हूँ तो उससे पहले मैंने आपके बारे में पढ़ा और जाना, आपके सोशल मीडिया पेजेस को देखा, तो मैंने वहाँ पर जो ऑब्ज़र्व किया वो ये किया कि आप एक कैरेक्टर प्ले करते हैं केजरी बवाल जी के नाम से। सो देखा जाए तो सबसे प्रिय जो आपके पॉलिटिशियन हैं वो केजरीवाल जी हैं, तो ऐसा क्या शुरू हुआ, कब से ये शुरू हुआ कि आपने सोचा कि केजरीवाल जी के मिमिक्री आप करें, वो कहाँ से आपको इंस्पिरेशन उनकी मिली और उसके बारे में भी थोड़ा जानना चाहेंगे? देखिए, एक तो मेरे वो फेवरेट पॉलिटिशियन नहीं है बिल्कुल भी और मैं केजरीवाल जी की मिमिक्री तब से कर रहा हूँ जब से वो पॉलिटिक्स में आए थे। 2011 में जब उनका आंदोलन हुआ तो अन्ना हजारे जी की भी मैं मिमिक्री करता था, स्टेज पे करता था, लेकिन ये जो कैरेक्टर मैंने बनाया मफलर बांध के नीली शर्ट पहन के, वो अभी जब दिल्ली के अंदर नई आबकारी नीति लागू हुई शराब नीति, तो हमारे घर के बराबर में मंदिर है, मंदिर के सामने शराब का ठेका खुला, तो हमने वहाँ प्रोटेस्ट किया, तो शराब के ठेके वाले ने बताया कि भाई मैं तो बिजनेसमैन हूँ, मैं तो शराब का ठेका खोलना मेरा अधिकार है, आप सरकार को बोलो जिन्होंने लाइसेंस दिया, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो सरकार को बोल नहीं सकता जी। तो एक कलाकार होने के नाते मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि मैं अपनी कला में कुछ संदेश दूँ जनता को। तब मैंने अपने घर पे वो मफलर बांध के और वो केजरीवाल जी का वीडियो बनाया था जी। कि केजरीवाल जी शराब नीति को सही साबित कर रहे हैं, और वो वीडियो इतना वायरल हुआ उसके बाद मुझे लगा कि मुझे ये कंटिन्यू करना चाहिए। तो फिर उसके बाद मैंने हर घटना पे केजरीवाल जी ने जब जब भी उठपटांग कोई बयान दिया ऐसा, तो मुझे उसमें हंसी नज़र आई, मुझे लगा यार इसमें तो बहुत बड़ा लाफ्टर छिपा हुआ है। तो मैंने मफलर बांध के उनके वो वीडियोज़ बनाए और वो कैरेक्टर मेरे मुँह से एक दिन ऐसे निकल गया, नमस्कार दोस्तों मैं अरविंद केजरी बवाल, वो मेरे मुँह से बवाल निकल गया। वही कैरेक्टर इतना हिट हो गया कि बस जनता का इतना प्यार मिल रहा है, आज मैं जहाँ भी जाता हूँ लोग मुझे पकड़ पकड़ के सर आप केजरी बवाल हो ना, सर आप केजरी बवाल जी, तो बस वो चल गया जी। तो हम सुनना चाहेंगे आपसे कुछ केजरी बवाल के बारे में या उनके लहजे में कुछ आप बोलें। हाँ, सबसे पहले तो मैं सबसे पहला ही आइटम आपको सुनाता हूँ जो मैंने एज ए केजरी बवाल बनाया जी। देखिए, नेता वही होता है जो अपने हर काम को पॉजिटिव बताता है। तो गली गली में शराब का ठेका खुला, अब वो सपने में आए मेरे केजरीवाल जी और उनका, नमस्कार दोस्तों मैं अरविंद केजरी बवाल, साथियों मैंने गली गली में शराब का ठेका खोल दिया है। और ये जितने भी नेता हैं उसका लॉजिक नहीं समझते, उसके पीछे की साइंस नहीं समझते ये लोग, बड़ा फ़ायदा है उसका। मैंने कहा सर क्या फ़ायदा है? पहले आदमी को शराब पीनी होती थी वो कोई कोई किलोमीटर दूर जाता था, पी के गिर जाता था, कोई बचाने वाला नहीं मिलता था, आज आपके घर के बराबर में खुलवा दिया है, अगर आप पी के गिर जाते हो तो कोई चाचा नाना मामा कोई ना कोई तो आपको बचा लेता है, कितना फ़ायदा है। मेरी नानी कहा करती थी कि बेटा जब भी कभी राजा बन जाना सबकी दवा दारू का ध्यान रखना, तो मैंने दवा दारू का ध्यान रखा। दोस्तों पहले आधा देश अंग्रेजी नहीं बोल पाता था, अब गरीब रिक्शा वाला भी जाके बोलता है मुझे ये वाली दे दो, मुझे ये वाली दे दो, मुझे ये वाली दे दो, नाम बताता है, वो अंग्रेजी के नाम बताता है। यमुना की बदबू का जिक्र चलता है, यमुना मैया में बदबू हो गई, यमुना की गंदगी इतनी फैल गई, मैं इतने शराब के ठेके खुलवा दूंगा दोस्तों कि यमुना की बदबू कम हो जाएगी, दारू की बदबू उठेगी पूरी दिल्ली के अंदर। तो ये सब सटायर है, व्यंग है जो मैं अपनी सरकार पर कर रहा हूँ और हर कलाकार को करना चाहिए। उनका एक वो बहुत पूरे देश में विज्ञापन है कि हमने दिल्ली में 500 नए स्कूल खोल दिए। मैं दिल्ली में पैदा हुआ, दिल्ली में पढ़ा हूँ, मैंने एक दिन सपने में पकड़ा उनको, मैंने भाई साहब मुझे 500 स्कूल गिनवाओ। अब वो मुझे बिल्डिंग के सामने ले गए, साथियों देखो एक बिल्डिंग तो ये है, मैंने कहा सर एक हो गई 500 बताओ, इसमें सुबह लड़कियाँ पढ़ती हैं शाम को लड़के पढ़ते हैं, दो ही हो गए। मैंने कहा जी दो ही हो गए, 500 बताओ। आप किसी भी क्लास में जाओ कोई बच्चा ये नहीं बोल के आता घर पे कि मैं क्लास में जा रहा हूँ, क्या बोल के आता है? स्कूल में जा रहा हूँ। यानी एक कमरे में 50 स्कूल बैठे हुए हैं दोस्तों, और ऐसे ऐसे 50 कमरे हैं कि स्कूल के अंदर गिन लो कितने हो गए। मैंने कहा जी काफ़ी हो गए। स्कूल के सामने शराब का ठेका खोल दिया, मुझे भगवंत मान ने बताया कि एक अच्छा पैग लगा लो तो एक स्कूल के दो दिखाई देते हैं, दो तो ये वाले भी गिनने पड़ेंगे। साथियों ऐसे 500 बना रखे कहो तो 1000 बना के दिखा दो। उनके एक मंत्री, दो मंत्री जेल में पड़े हैं हमारे दिल्ली के,
स्वास्थ्य मंत्री शिक्षा मंत्री, तो सत्येंद्र जैन साहब जब जेल गए और ईडी सीबीआई उनसे पूछताछ करने जब जेल गई तो उनका बयान आया कि मेरी याददाश्त चली गई, मेमोरी लॉस हो गया, उन्होंने कुछ बयान दिया ही नहीं, मैं सब कुछ भूल गया। तो केजरीवाल जी का बयान, नमस्कार दोस्तों, मेरे एक मंत्री को उठा के ले गए सीबीआई वाले, उठा के ले गए और उसकी याददाश्त चली गई दोस्तों, उसको बस इतना याद है कि मेरी याददाश्त गई है, बाकी सब भूल गया वो, और वो झूठ नहीं बोल रहा, मेरे सामने गई है याददाश्त उसकी, मैंने खुद देखा है उसकी याददाश्त को जाते हुए, ऐसे गई है ऐसे, हरे रंग की थी, मैंने खुद देखा है। अब मेरी मोदी जी से अपील है जल्द से जल्द ढूंढ के ले आएँ उसकी याददाश्त को, और सत्येंद्र जैन को भारत रत्न देना चाहिए। मैंने जी क्यों देना चाहिए, एक साल से जेल में बंद है, मुँह नहीं खोला। ये है कैरेक्टर केजरी बवाल, कमाल का कैरेक्टर आपने बनाया है। और इसके साथ ही साथ मैं इसकी आपकी एक और सराहना मैं करना चाहूँगी कि मैंने जितना भी आपके वीडियो कंटेंट जितना भी देखा, सब में बहुत ही संसदीय भाषा का प्रयोग किया गया है, भाषा का आपने इतना ध्यान रखा है कि कोई भी आपकी वीडियो को कभी भी सुन सकता है, कहीं भी सुन सकता है विदाउट ईयरफोन के, क्योंकि आज के टाइम में बहुत सारे इस तरह के वीडियोज़ हम देखते हैं, कॉमिक्स हैं, स्टैंड अप कॉमेडियंस हैं जो इस तरह की भाषा का भी इस्तेमाल करते हैं कि जहाँ पर हमें फैमिली के साथ सुनने से पहले एक बार खुद सुनना पड़ता है अगर हम ऐसा कुछ सुनना चाहें तो। तो आपने जो अपनी अलग एक लीग बनाई है, इसके बारे में थोड़ा बताएं, आपका क्या थॉट प्रोसेस है कि आपने कि हमें इस लीग पे नहीं जाना है आगे? देखिए, इस लीग पे चलने का सबसे बड़ा कारण है कि जब किसी बिल्डिंग के नीचे बुनियाद यदि मजबूत होना तो वो बिल्डिंग को कोई हिला नहीं सकता है, और मेरी बुनियाद है कवि सम्मेलन की बुनियाद, मेरी बुनियाद साहित्य की भाषा की बुनियाद है, तो इसलिए वो मेरी इतनी मज़बूत बुनियाद है कि मैं अबे तबे कर ही नहीं सकता हूँ कॉमेडी के अंदर। और जो मुझे कॉमेडियन जो गाली देते हैं तो मैं उनको कॉमेडियंस मानता ही नहीं हूँ, क्योंकि गालियाँ सिर्फ गालियाँ होती हैं, गाली को आप कॉमेडी मत बोलो। और आजकल फीमेल्स ज़्यादा गालियाँ दे रही हैं स्टैंड अप कॉमेडी के नाम पर, तो हमें उसको बहिष्कार करना चाहिए। और आपने बिल्कुल ठीक बोला, मेरी ऐसी पहचान बनी और मैं उस बात पर बहुत खुश हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मुझे लगता है कि भगवान ने शायद मुझे इसके लिए चुना है कि आज की पीढ़ी में जितने भी स्टैंड अप कॉमेडियंस गाली हो, आप कोई भी वीडियो प्ले नहीं कर सकते घर पे, कोई वीडियो, लेकिन मुझे जब मैं शोज़ करने जाता हूँ मुझे ऐसे ऐसे लोग मिलते हैं, बहुत इमोशनल हो जाते हैं कि सर हमारी पूरी फैमिली आपकी वीडियोज़ देखती है जी। तो मेरी वीडियोज़ में कभी भी, आज भी और आज के 50 साल बाद भी यदि मैं रहा तो कभी कोई आपको असंसदीय भाषा नहीं मिलेगी उसके अंदर। जी जी जी, ये मेरा मिशन है जी, पैशन तो है ही मिशन भी है जी। कमाल का आपका ये प्रयास है, क्योंकि जब हम अपने अगर बचपन के बारे में देखें, आप भी ये समझ पा रहे होंगे कि जब हम छोटे छोटे हुआ करते थे तो पेरेंट्स के साथ बैठ करके जो कॉमेडी शोज आया करते थे उस टाइम पर, हम वो सब लोग इकट्ठा बैठ कर देखा करते थे, एक फैमिली को जोड़ने वाला फैक्टर साबित होता है ये हास्य कवि सम्मेलन या कवि सम्मेलन जो होते हैं, तो फैमिली को कनेक्ट करते हैं। और जब इस तरह की भाषा आती है तो कहीं ना कहीं फैमिलियाँ टूटने लगती हैं, एक साथ बैठकर नहीं देख सकते, तो वहाँ पर ये चीज़, ये फैक्टर जो आपने उठाया है बिल्कुल सही है कि हम सभी लोग बैठकर आपकी वीडियोस देखेंगे, डेफिनेटली एक दिन बड़े टेलीविज़न शोज में हम आपको देखेंगे, आपके खुद के शोज में हम आपको देखेंगे। तो दीपक जी, आपकी रिसेंटली एक वीडियो बहुत ज़्यादा मैंने जो वायरल होती हुई देखी है वो ये है कि केजरीवाल जी पहुँचे हैं बाबा बागेश्वर धाम के दरबार में, तो इसको एक बार फिर से आप हमें सुनाएं, क्योंकि हम चाहते हैं कि एक बार फिर से हम अपना खून बढ़ाएं इसको सुनकर, तो प्लीज़। देखिए, ये वीडियो इतना वायरल हुआ, इतना प्यार मिला, और बाबा बागेश्वर धाम वाले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी, अच्छा मैं तो सनातनी हूँ तो मेरा तो खुला सपोर्ट उनको है, लेकिन क्योंकि मैं बजरंग बली का भक्त भी हूँ तो मुझे लगता है शायद भगवान ने ही मुझे चुना कि मैं उनकी मिमिक्री करूँ जी। तो मैंने ऐसी कल्पना की, एक दिन मैं उनको वीडियोस घर में भी चलते रहते हैं, टेलीविज़न पे भी वो बहुत वायरल रहे, तो मेरे कानों में उनकी आवाज़ जो पड़ रही थी वो अचानक से कैच हुई। मैंने कहा यार मुझे कुछ बनाना चाहिए इनकी मिमिक्री पर, मिमिक्री क्या करें, क्योंकि वो एक लकीर ऐसी होनी चाहिए जो इसको भी बुरी ना लगे, उसको भी बुरी ना, इधर भी बुरी ना लगे, उधर भी बुरी ना लगे। तो एक दिन सोते सोते मुझे ऐसे दिमाग आया, मैंने कहा यार इसमें अगर बहुत सारे नेता जाए और बाबा जी उनका पर्चा बनाए तो कितना फनी हो जाएगा। तो मैंने ये वीडियो बनाया कि पंडित जी अपनी कथा कर रहे हैं और सामने दिल्ली के सीएम केजरीवाल जी फंस गए और बाबा ने उनका पर्चा बनाया। मैं आपके चैनल पर पहली बार परफॉर्म करता हूं, बाकी तो आपने सुना ही है। बाबा जी की कथा शुरू हुई, जय श्री राम। इस पंडाल के अंदर हमको एक आदमी दिखाई दे रहा है जो नीली और ढीली शर्ट पहन करके बैठा हुआ है, वे आ जाए उनकी अर्जी स्वीकार की जाती है। सामने से आगे, बाबा जी नमस्कार, मैं दिल्ली का सीएम हूँ, एलजी मेरी बात नहीं मानता, मोदी मुझे 26 जनवरी पे टैंक नहीं चलाने देता, बाबा ने तुम्हारा पर्चा बना रखो, बताओ कौन सा पर्चा खोले। बाबा जी मैं देश का पीएम बनना चाहता हूँ, बाबा ने पर्चा बना रखो, देखो अपने बच्चों की झूठी कसम खाएंगे, अपने गुरु को लात मार के मुख्यमंत्री बनेंगे नंबर एक,
एक विशेष समुदाय का वोट लेने के लिए चमचागिरी करेंगे, हिंदू पुजारियों को मंदिर में सैलरी नहीं देंगे, करोड़ों रुपए के पर्दे अपने बंगले में लगवाएंगे, तुम्हारी ठटरी बार दे बाबा तुम्हारी। बाबा जी नहीं, मैं देश का पीएम बनना चाहता हूँ, मुझे एक मंत्र दे रहे हैं, सबसे पहले दिल्ली विधानसभा में हिंदू राष्ट्र की मांग करो, और एक मंत्र बाबा दे रहे हैं उसका जाप करो दिन में 3 बार पार्लियामेंट के सामने। बाबा जी कौन सा मंत्र है? हर हर मोदी घर घर मोदी। तो ये वो आइटम था, बहुत फेमस हुआ, बहुत वायरल जी, हुआ जी। अच्छा, जैसे आपने बताया केजरीवाल जी उनके दरबार में पहुंचे, तो उनके अलावा अगर कोई और राजनेता पहुंचे तो उनके उनका क्या लहजा रहेगा, उनको क्या कहेंगे बाबा जी आपके अंदाज में? अभी मेरे सपने में आया कि मैंने देखा मोदी जी वहां पहुंच गए जी, तो बाबा जी की कथा शुरू हुई। जय श्री राम। एक व्यक्ति हमें इस पंडाल के अंदर दिखाई दे रहा है जो एक राज्य के मुख्यमंत्री रहे, वर्तमान में दूसरी बार भारत के पीएम हैं, बेहाजाए उनकी अर्जी स्वीकार की जाती। अब सामने बाबा जी नमस्ते। आओ, क्या सवाल मन में लेकर के आयो? बाबा जी मैं देश की उन्नति चाहता हूँ, देश की तरक्की चाहता हूँ, परंतु ये विपक्ष रोड़े पर रोड़े अटका। बाबा ने तुम्हारा पर्चा बना रखा, देखो विपक्ष चुनाव से पहले संपूर्ण रोड़े अड़ाने का काम करेगा, इधर उधर मुद्दे भटकाएगा, पर बाबा ने लिख दिया पर्चों पे, आएगा तो आगे जनता खुद ही भल्लो फिरिंदी ब्लैंक्स। जी कमाल की आप मिमिक्री करते हैं, बहुत अच्छा लगा। आपने मोदी जी के बारे में बताया, साथ ही साथ ये भी बता दिया कि अगली बार भी मोदी सरकार होने को है। मैं तो चाहता हूँ कि आए और आएंगे, बिल्कुल आएंगे, मैं तो खुला सपोर्टर हूँ। जी तो अब इसके साथ ही ना, अगर राहुल गांधी जी फंस जाएं इस सिचुएशन में बाबा बागेश्वर धाम के दरबार में, तो फिर क्या स्थिति होगी? देखिए राहुल जी का मैं ज़्यादा जोक्स राहुल जी पर इसलिए भी नहीं करता क्योंकि एक तो कॉमेडी में मेरे सीनियर हैं वो। अच्छा। लेकिन राहुल जी महान नेता है, वो कुछ भी बोल सकते हैं वो, क्योंकि अभी उनको इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली भी नहीं है, तो वो कुछ भी कहने के लिए अभी तो उनको खुली छूट हुई है, वो कुछ भी बोल सकते हैं। देखिए भैया, ये जो कॉमेडी है ये कैसे होती है, हाउ इज इट पॉसिबल, मैं आपको बताता हूँ अंशिका जी। कल एक बच्चा आता है मेरे पास, खुद आता है चाइल्ड, खुद सेल्फ, और पूछता है, मैंने उससे पूछा ये कॉमेडी क्या होती है, उसने कहा राहुल जी मैं भी यही जानना चाह, मेरा जवाब नहीं मिल रहा भैया, ये देश मेरा जवाब नहीं देता है। कल एक किसान आता है, राहुल जी हमारी फसल खराब हो गई, मैंने उनको बताया आप खुले में क्यों बोते हो, खुले में मत बोइए, इंडोर कीजिए इसको, खत्म भैया, टाटा, अब आएगा मजा। ये राहुल जी की मिमिक्री है। जी जी जी, राहुल जी की मिमिक्री कर लो, कितनी भी कर लो, सारा दिन कर लो, बड़ा मजा आता है करने में वो, क्योंकि ज्यादा दिमाग लगाना नहीं पड़ता, वो जैसे वो कुछ भी बोल सकते हैं ऐसे हम भी कुछ भी बोल सकते हैं। मेरे बहुत फेवरेट नेता है, बहुत अच्छे आदमी है। जी जी जी, आपने शुरुआत में व्यंग भी कसा उन पर के कॉमेडी में, मेरे जी, आपके बहुत अच्छी कॉमेडी करते हैं। जी जी जी, तो दीपक जी बहुत आपकी मिमिक्री हमने सुनी है, मैं आपसे अब ये समझना चाहूँगी कि आप बहुत सारे राजनेताओं की मिमिक्री करते हैं, कि क्या आपको कभी किसी परेशानी का सामना करना पड़ा है? अभी तक तो करना तो नहीं पड़ा है, हाँ सोशल मीडिया पर तो मेरे पास लगभग डेली 500 मैसेजेस आते हैं जी, खूब गालियों भरे जी मैसेज आते हैं, धमकी भरे मैसेज आते हैं, पार्टी के कार्यकर्ता होते हैं, आईटी सेल वाले होते हैं, या पता नहीं फर्जी आइडिया होते हैं, मुझे पता नहीं, लेकिन हाँ किसी ने अभी तक आके सामने से तो कुछ बोला नहीं जी, और सामने से बोलने की किसी की हिम्मत भी नहीं है, कि हम कलाकार, अगर कलाकार देश में डरेगा तो देश कैसे चलेगा, बोलने की आज़ादी है पूरी, लोग बोलते हैं देश में बोलने की आज़ादी नहीं है, इनटॉलरेंस है, सबसे बड़ा सबूत तो मैं हूँ टॉलरेंस का, मैं डेली मंच पे खड़ा होकर भारत के गृह मंत्री जी की, भारत के रक्षा मंत्री की, भारत के प्रधानमंत्री की, दिल्ली के मुख्यमंत्री की, सबकी मिमिक्री करता हूँ, तो मेरे ऊपर तो अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसका मतलब तो जितनी आज़ादी हमारे देश के अंदर बोलने की उतनी कहीं भी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, तो दीपक जी जैसे कि आप कमाल की मिमिक्री तो करते हैं, एक बार मुझे, सॉरी बीच में रोक रहा, कोई बात, एक बार मुझे, क्योंकि मैंने 2021 में जब किसान आंदोलन चल रहा था, मैंने बताया ना जो भी पॉपुलर होता है मैं उनकी मिमिक्री करता हूँ, उससे हो जाती है, ईश्वर करवाता है जी, मेरे अंदर नया करने की इच्छा है, तो मैंने राकेश टिकैत जी की मिमिक्री की थी जब किसान आंदोलन था, उस समय तो मेरे पास ऐसे धमकियों भरे फ़ोन आते थे पूरे हरियाणा से, पंजाब से, पता नहीं यूपी से, कहां कहां से, तुझे मार देंगे, उड़ा देंगे, काट देंगे, ये कर देंगे, लेकिन मैं कभी, मुझे मेरी कला पे इसका कभी असर पड़ा नहीं, हालांकि राकेश टिकैत जी ने खुद उसको वीडियो को लाइक किया जी, मैंने कहा भाई जब वो खुद लाइक कर रहे हैं और कला तो लाइक होगी ना जी,
तो क्या एक बार हम फिर से उसकी झलक हम यहाँ पर सुन सकते हैं? हाँ, मैं छोटा सा बिल्कुल सुनाता हूँ जी। वो मैंने आइटम बनाया था जब हमारी टीम वर्ल्ड कप से बाहर हो गई थी। क्रिकेट टीम पहले पाकिस्तान से हारी, फिर न्यूजीलैंड से हारी, वर्ल्ड कप से बाहर। अब सारा दिन 2021 में सुबह से लेकर रात तक राकेश टिकैत टीवी पे रहते थे जी। मैंने एक दिन सपने में पकड़ा, मैंने भाई साहब हमारी टीम वर्ल्ड कप से बाहर होगी, क्या करोगे? आंदोलन होगा, आंदोलन होगा, आंदोलन। मैंने जी कहाँ होगा? ये होगा आईसीसी के गेट पे होगा आंदोलन। आईसीसी जो इंटरनेशनल कांग्रेस कमेटी जो क्रिकेट करवाती है वहाँ होगा आंदोलन ये। और मांग करेंगे, मांग जी क्या मांग करोगे? मांग करेंगे कि दोनों मैच जो हारे हैं दोबारा करवाओ, ये मैच दोबारा होंगे, रन रेट का कानून बनेगा। इस टीम का रन रेट बढ़ गया, उस टीम का घट गया, कौन बढ़ाता है रन का रेट, कौन लेता है रन का रेट? आंदोलन होगा, रन रेट का कानून बनेगा। एक और समस्या है क्रिकेट में, अंपायर उंगली उठा के आउट देता है, बैट्समैन ऐसे कर देता है, अंपायर किसी तक बात करके नोट आउट कर देता है। ये कौन है बीच में अंपायर की जिससे बात होती है? उसकी जांच होगी, आंदोलन होगा, पिच पे बैठेंगे और विकेट की बजाय गन्ने गड़ेंगे हमारे। ये वो आइटम था जी, वो कितना प्यारा आइटम है एकदम। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन लोग इस पर भी गाली गलौज करते हैं, देते हैं, तो मुझे, मैं तो यूज टू हो चुका हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं जी। तो दीपक जी, इसी से संबंधित मेरा एक प्रश्न आपसे ये है कि आप कमाल की मिमिक्री तो आप करते ही हैं, कि कभी ऐसा हुआ है कि आपने कभी किसी अपने दोस्त को या किसी रिलेटिव को फ़ोन करके किसी राजनेता की आवाज़ में कुछ बोला हो और वो डर गए हों? इस तरह का कोई इंसिडेंस अगर आपने किया है तो हमारे साथ शेयर करें। ऐसा एक बार हुआ है मेरे साथ, क्योंकि बचपन में तो मैंने बहुत किया है कि दोस्त के पापा की आवाज़ में स्कूल में फ़ोन कर दिया। एक बार ऐसा भी हुआ, छुट्टी करानी है तो अच्छा। कर दिया तो। लेकिन नेताओं की आवाज़ में तो एक बार हमने ऐसे ही मज़े लेने के लिए, हमारा पड़ोस में दोस्त है तो हमारे एक दिल्ली के सांसद हैं, मेरे मित्र भी हैं, मनोज तिवारी है ना, तो उनसे उसको कुछ काम था और वो कुछ मतलब हमारे बीच में कुछ चल रहा था, तो मैंने एक बार मज़े लेने के लिए ऐसे ही किसी के फ़ोन से, मैंने कहा मनोज तिवारी बन के इसको जरा फ़ोन करता हूँ जी जी। तो मैंने फ़ोन किया और वो हिल गया पूरा एकदम से, यार ये क्या हो रहा है। फिर मैंने उसको बताया तू टेंशन मत ले, मैं बोल रहा हूँ जी जी। तो उनका रिएक्शन बाद में क्या था फिर? पहले तो वो डर ही गए, लेकिन बाद में क्या रिएक्शन था? मैं कहता भाई तू मरवाएगा मुझे, मैं तो डर गया था। तब मुझे पता लगा, मैंने कहा अगर कहीं फंस जाए तो हम, हो सकता है मतलब एक ऑप्शन ये भी है कि हम कोई किसी फोन से कुछ कर सकते हैं। मजाक कर रहा हूँ, ऐसा मैं कभी करता नहीं। जी जी जी, ये तो रही मजाक की बात। खैर, आप इतने खूबसूरत आपने मिमिक्री हमें कर दिखाई, लेकिन फिर भी मेरा एक सवाल उसी से संबंधित, उसी में बच रहा है कि कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपने किसी और अपने दोस्त को, जैसे एक इंसिडेंस आपने बताया, हो सकता है कोई ऐसा इंसिडेंस भी हुआ हो जब आपने किसी दोस्त को, किसी रिलेटिव को बोला हो कि किसी भी राजनेता की आवाज़ में आपने बात की हो और उन्होंने बोला हो कि आप चलिए बाहर मिलिए ज़रा, इस तरह का कुछ हुआ है? एक ऐसा हुआ है, हम पिछले साल की बात है, हम लोग आ रहे थे चंडीगढ़ से, हम लोग आ रहे थे जी, और हमारे साथ कोई लेडी थी, कवित्री है वो देश की बहुत बड़ी, वो भाजपा से भी जुड़ी हुई है। तो उसी दिन अमित शाह जी की रैली थी आगरा में, वो आगरा की हैं, अमित शाह जी की रैली आगरा में थी, तो उनका आगरा का कोई युवा मोर्चे का लड़का था जो बिल्कुल काम नहीं कर रहा था उनके मुताबिक, वो उससे बहुत दुखी थी, पूरा दिन फ़ोन पे, अरे भाई तू कब आएगा, शाम को अमित शाह जी की रैली है, तू कब आएगा, शाम को अमित शाह जी की रैली है। तो मैंने कहा एक बार मुझे दिखाओ, मैं इसको अमित शाह जी के बारे में डांटता हूँ जी। तो उन्होंने उसको फ़ोन किया कि मैं अभी मंत्री जी के पास जा रही हूँ, तुम्हारी बात कराती हूँ, तुमसे बात करना चाहते हैं। आधे पौने घंटे बाद उन्होंने फ़ोन मिलाया और मैंने अमित शाह जी के बारे में, देखो भाई आप पहले ये डिसाइड करो कि आपको पार्टी का काम देखना है कि फिल्म देखनी है, इतना कह के मैंने फोन काट दिया। वो लड़का तो रोने लग गया फोन पे। वो तो फोन पे रोने लगा, दीदी 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 मैं अभी आ रहा हूँ, दीदी कहाँ है, दीदी कहाँ है, दीदी सॉरी। वो एक्चुअली फिल्म देखने चला गया था वो, अच्छा, शाम को अमित शाह जी की रैली थी और मूवी देखने चला गया। तो मैंने उसको डांटा अमित शाह जी की आवाज में, तो डर गया वो, लिटरली डर गया वो। दीदी मैं आ रहा हूँ, दीदी बताओ कहाँ है, दीदी प्लीज। उसको लगा मैं तो गया पार्टी से, तो फिर उसको बाद में बता दिया, खैर क्योंकि गलत तो हम करते नहीं, और अमित शाह जी की आवाज बहुत एक्यूरेट निकलती है, मुझे बहुत मजा आता है उनकी मूवी। जी जी, तो जैसा कि अभी आपने अमित शाह जी की आवाज़ में मिमिक्री की और हमें बताया, हमें सुनाया, लेकिन उससे संबंधित अब अगर हम राजनाथ सिंह जी के बारे में बात करें, क्योंकि उनसे रिलेटेड आपकी वीडियो मैं देख चुकी हूँ, वो बहुत कमाल की थी, हम एक बार फिर उसे सुनना चाहेंगे, वही आवाज़ सुनना चाहेंगे। देखिए, भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी की आवाज़ जब मैंने मंच पर परफॉर्म करने शुरू की थी, तो एक होता ना तालियाँ, एक तो हल्ले वाली तालियाँ होती हैं, कभी हल्ला हो गया, जैसे बागेश्वर वाली करते तो हल्ला हो गया, लेकिन जब राजनाथ सिंह जी की तो वो रिस्पेक्ट वाली तालियां मुझे मिलती थी, डेकोरम वाली तालियां। मैंने बड़े बड़े टीवी शोज में किया तो स्टैंडिंग ओवेशन मुझे मिलने लगी, मेरे बहुत पसंदीदा नेता हैं वो। तो राजनाथ सिंह जी यदि आते अभी आपके स्टूडियोज में तो कैसे बात करते जी? अध्यक्ष महोदय
जहाँ तक प्रश्न पाकिस्तान का है तो मैं सारे देश के समक्ष यह डंके की चोट पर कहना चाहता हूँ सदन के अंदर कि पाकिस्तान से अब कश्मीर पर हम कभी कोई बात नहीं करेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं डंके की चोट पर कहना चाहता हूँ, बात यदि होगी तो पीओके पर होगी। ये मुझे बहुत बहुत मज़ा आता है, उनकी मिमिक्री ने मुझे बहुत रिस्पेक्ट दिलाई है। आप कमाल के आर्टिस्ट हैं, मैं आपको ये कहना चाहूँगी, जितनी भी आपने अभी तक मिमिक्री की सारी इतनी एक्यूरेट और इतना हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी आपने मिमिक्री की। तो अब वक्त हो चला है इस शो को यहीं पर विराम देने का, तो जाते जाते मैं आपसे कहना चाहूँगी कि आप हमारे व्यूअर्स को कुछ कहना चाहें राजनेताओं की आवाज़ में। देखिए, अगर कुछ नेता जो बच गए हैं, यदि वे आते हो कैसे बात करते, बहुत सारे नेताओं की, लालू जी की मैंने मिमिक्री की, लालू जी आते, लालू जी तो आपको पता है कि जो भी कोई कॉमेडी करता है हमारे देश में, लालू जी पे उन्होंने जरूर कॉमेडी की है। वो जितना देश के काम नहीं आए उतना हमारे काम आए लालू जी। आपको प्रणाम करता है लालू यादव। अंशिका जी बोलती है, बहुत बढ़िया शो है, सबको देखना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करके दिखा बटा। उनका अपना अमित शाह जी, यदि देखो भाई इस चैनल को देखने वाले सभी लोगों, मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा साथियों, माताओं और बहनों, मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूँ, बहुत ही अच्छा पॉडकास्ट हुआ है, इसको लाइक करना है, फॉलो करना है और एक एक आदमी तक पहुँचा देना है दोस्तों। तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, संकल्प की मुट्ठी बीचिए और पूरी ताकत से बोलिए भारत माता की। बहुत कमाल का आपने मैसेज दिया और बहुत कमाल की मिमिक्री की, बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके और आपकी मिमिक्री सुनकर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। आशा है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा और आज के एपिसोड के बाद आपका खून थोड़ा तो ज़रूर बड़ा होगा। इसी उम्मीद के साथ लेती हूँ आपसे आज्ञा, आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।